लगा ये होता हफ्ते में एक बार निकाल ले, या किसी ने बहुत ज्यादा बिजली कर गाड़ी बाहर निकाल ले, इसलिए 24 बनाए खड़ी की है। मैं सिर्फ तब गाड़ी बाहर निकालता हूँ। अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पार्क व्हील यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं बड़ी डिफरेंट गाड़ी है, मतलब आपको एवरीडे सड़क पे नज़र नहीं आती, बहुत यूनिक गाड़ी है। और जिस टाइम पे मैं जवान उड़ता उस टाइम की जो मेरा ख्याल है ये बड़ी सिग्नेचर गाड़ी मिलती थी। मेरे साथ हमीद इफ्तिखार मौजूद हैं टीम 4K से, और यंगस्टर आदमी है, इनको उस ज़माने का आइडिया नहीं होगा जिस ज़माने की गाड़ी थी, लेकिन मुझे आइडिया है। और जब मैं पहली गाड़ी ख़रीद रहा था अपने लिए तो मेरी जो पहली कंसिडरेशन थी उसमें ये गाड़ी शामिल थी। सो अमीज हमारे ऑडियंस के लिए बताएगा आपकी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट जो ये क्या है। ये 1996 मॉडल स्विफ्ट GTI MK1 और ये है कुवैतन पोर्ट। ये गाड़ी पहले लेफ्ट हैंडेड थी, उसको हमने राइट पे किया 1986 की है। और GTI क्योंकि पाकिस्तान में उस जमाने में याद है कि आती थी उसको खैबर बोलते थे, उससे पहले स्विफ्ट आती थी जो जापानी थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ पहली गाड़ी वो थी। तो ये GTI वर्जन जो है इसके अंदर इंजन भी आई बिलीव फर्क होता था। हाँ जी, इसके अंदर जो था इसके अंदर आता था G13 B ट्विन कैम वाला जिसमें 100 हॉर्स पावर बनाता था वो। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी एड लगाएं, डे लाइट में पिक्चर्स लें, एड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर एड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना एड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। और कितने सीसी होता था? वो 1300 सीसी होता था। जो लोकल आती थी वो 1000 सीसी थी, GTI थी ये 1300 सीसी थी। और ये टर्बो होता था कि NA होता था? नहीं, NA होता था। NA विद कितने हॉर्स पावर होता है? 100 HP। और अभी इसके अंदर सेटअप वही है कि चेंज करने? नहीं नहीं, इसके अंदर दूसरा है, इसके अंदर हमने डाला हुआ है ब्रिनो का सेटअप। अब G16B जापानी ब्रिनो का जो होता है उसमें थोड़ा बहुत बिल्ड किया हुआ हमने होंडा का मिक्सचर कार के साथ, मिक्स एंड मैच किया है। हाँ जी, टूटी फ्रूटी इंजन पूरा। नहीं, गाड़ी भी आप कह रहे हैं लेफ्ट से राइट कन्वर्ट हुई। हाँ जी। तो ये जो गल्फ वॉर की गाड़ियाँ आई थी 1996 में वो वाली गाड़ी है? ये कुवैत से इंपोर्ट होके आई थी। अच्छा, नहीं तो इतने कुवैत में जब वॉर हुई थी ना तब भी पाकिस्तान में काफ़ी लेफ्ट हैंड गाड़ियाँ आई थी 1996 के अंदर, कैलेंट्स आई थी, टोयोटास आई थी, तब इंपोर्ट हुई है कि बाद में इंपोर्ट हुई थी कि पहले? तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ इस बारे में। आपके पास काफ़ी ये गाड़ी है? मुझे अभी 3-4 साल हो गया है इसके पास। अच्छा, और आपने जब ली थी तो यू डिड अ प्रोजेक्ट की ऑलरेडी तैयार थी? नहीं नहीं, प्रोजेक्ट किया पूरा। अच्छा। तब सिर्फ इसमें इंजन था, इसमें पहले इंजन था G15A, ठीक है, लेकिन वो रिंग रोड में मैं गाड़ी पुगा अबू रहा था, वो एवी कोई सिविक एक्स वाला आया था उसका वो पंगे छंगे घर था, ठीक है, न्यू ईयर की रात पे सही गाड़ी पुगा आई है, उसको हमने लंबा सही चपा दिया है। उसके बाद जब गाड़ी हमने स्लो किया है क्रैक में से टक 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 के वाजे आने लगे, उसके बाद फिर पूरा का पूरा इंजन खोल के फिर G15 से इसको G16 पे शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो वह आपको रेस न्यू ईयर वाली महंगी पड़ गई? महंगी पड़ गई। अच्छा, तो ये आपने 3 साल पहले गाड़ी ली थी तो क्या कॉस्ट की थी वैसे? ये मैंने ली थी 3-8 की। अच्छा, तो ये टू डोर वर्जन जो है इसका दरवाजे की लेंथ भी ज़्यादा होती है आम गाड़ी से GT वर्जन की, तो ये तो बड़ी हार्ड टू फाइंड है मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग पूरे पाकिस्तान में 3-4 होंगे। नहीं नहीं, है काफ़ी सारी, लेकिन लोगों ने ना छुपा छुपा के रखी हुई है। अच्छा, काफ़ी सारी, मुझे तो कभी नजर नहीं आया। नहीं, अब वही है ना, जब बंदा चीज ले लेता तब उसको चीज नजर आने लग जाती है। ये भी ऐसा साइकोलॉजिकली, जब आप गाड़ी में बैठे तो वैसे ही नजर आती है। अब दोस्त की गाड़ी का हमने रंग करवाया माल्टे रंग का, ठीक है, उसके बाद वो गाड़ी जब भी लेके निकले हर चीज माल्टा माल्टा नजर, कूलर में सामने पड़ा हुआ वो माल्टे रंग का नजर आया आपको? वैसे माल्टा के मार्केट में चले गए हो? ऐसे ही होता है, जब बंदा चीज खरीद लेते ना तब उसको हर जगह नजर आने लग जाते। नहीं नहीं, आप माल्टो की मार्केट में तो नहीं चले गए? माल्टे नजर आ, देखा ना, माल्टे की बात के सामने रिक्शा भी आ गया माल्टे रंग वाला। अच्छा, तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि काफी है? अच्छा, मेरी नजर में मुझे नजर आई 2-3 है, इनफैक्ट जब हम कॉलेज टाइम पे थे तो 2-3 ही थी जो ओरिजिनल GT थी, बाकी लोगों ने बम्पर शम्पर चेंज कराए होते थे, क्योंकि इसका अगला बम्पर जो है वो बड़ा डिफरेंट स्टाइल का होता था, उसके अंदर मेरे ख्याल फॉग लैंप भी बीच में थे। साल पहले बलालगंज आया था बम्पर, और उस बंदे ने 45,000 का सिर्फ बम्पर बेचा था इस गाड़ी का। इसका सामान इतना रेयर हो गया जिसके पास तो वो ब्लैक में बेचता। आपने उसकी फाइबर कॉपी निकलवा? हाँ जी, डाई निकलवाई है, फाइबर में बनवाया। अब मैं कहता जी जाके दीवार में मार दूं, टेंशन ही नहीं। दीवार में ना हमारे खुदा ना खास था, क्योंकि इस जमाने की गाड़ी में तो कोई एयरबैग भी नहीं थे। अच्छा, और इसके पावर विंडोज ये भी जेन्युइन है? नहीं नहीं, ये पावर विंडोज मैंने खुद किया है, कहते हैं साइड गई काट दी। हां, इसको क्या कहते थे? साइड व्यू मिरर्स। हां, साइड में इसको ओरिजिनल आते हैं वो, मतलब के इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये वाले इसको नहीं आते थे। सही है, तो ये आपने खुद लगाए हैं? हां जी। अच्छा, मीटर भी इसका आम नॉर्मल जो उससे फर्क है? हां जी, इसमें RPM आता है, स्विफ्ट GTI का अपना है, इसमें ये वाला आता है और एक डिजिटल वाला आता है। ठीक है, हां, डिजिटल भी मैंने एक दफा देखा, तो ये इसके अंदर जो RPM आता है नॉर्मल वाली खैबर में RPM नहीं था? RPM नहीं आता। सही, और बाकी जो सेंट्रल कंसोल है ये भी मेरे ख्याल आपने खुद बनाया? हाँ, ये पूरा का पूरा कस्टम मेड है, ये असल में है इसका अपना कंसोल, लेकिन बीच में जो खाने वगैरह थे वो टूट छूट गए थे, फिर मैं ये चौधरी ऑटो स्टोर वाले के पास लेके गया था, ये बूझ की बीच की पूरी एक प्लेट जो है ये कस्टम है, उसके अलावा गाड़ी पुश स्टार्ट है, अभी ये आप चेक कर सकते हैं,
चाबी मेरी जेब में अभी फिलहाल। अच्छा गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई है सारी। अच्छा पुश स्टार्ट है। अच्छा ये भी कोई आपने स्टीयरिंग के नीचे भी कोई साइंस लगाई हुई है? टिकट टाइम मैंने ऊपर की तो मैं बाइक के अंदर फिट हो जाऊंगा। अच्छा यानी इसका स्टीयरिंग को भी आपने ऊपर नीचे कर सकते हैं। ले वैसे लेकिन एक किस्म का चस्का ये, इसका फायदा कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा अभी गाड़ी की अगर हम बेसिक बिल्ड की बात करें तो इसके अंदर इंजन इस टाइम पे 1300 सीसी है। 1600 बलिनो में जो आता था। हाँ जी ठीक है। और जो इसकी सस्पेंशन वगैरह अपनी अच्छा एक मुझे इसके कॉइल ओवर के लिहाज से तो बड़ी कम इसके वो हैं झटके, वरना वो भी याद है ना कि इसके अंदर आर एस आर कॉइल ओवर लगे हुए टू वे के, लेकिन सिर्फ फ्रंट पे लगे हुए क्योंकि हैबर के या फिर ये कहते हैं स्विफ्ट के बैक पे वो होती हैं स्प्रिंग होते हैं सिर्फ। ठीक है उसमें सब वो नहीं लग सकते कॉइल ओवर। बेहतर है यार वरना तो कॉइल ओवर साथ हम डांस करते जा रहे हैं। डांस करने वाला काम है मतलब ये है कि गाड़ी नॉर्मल चला रहे होते ना तो आपको फील भी नहीं होता। तो ये 2 सीटर होती है कि 4 सीटर होती है आपने शिफ्ट किया? 4 सीटर होती है। अब मैंने कहा कि गाड़ी बाहर से टू डोर है तो अंदर से भी टू डोर होनी चाहिए। ठीक है। सीटें बाहर निकाल दी। बाहर ही निकाल दी कि उसको लटाया हुआ? बाहर निकाल दी है। अच्छा। पीछे फिर मैंने पूरा कस्टम वो लकड़ी का पट्टा बनवाया। सही है। साथ में फिर मैंने ये 4 पॉइंट रोल केज बनवाया। रोल केज की क्या वजह? हमारे यहाँ पे तो लोग रैली में भी रोल केज रजिस्टर कर रहे होते हैं। मैं तो देखने में खूबसूरत लगता है, उसके अलावा मेरा ना इससे पहले एक बार एक्सीडेंट हो चुका है। ठीक है। उसके अंदर मेरा एक गांड कट गया था, ये मेरी लेग पूरी फ्रैक्चर हो गई थी। अच्छा। मैं गर्दन के सारे मसल वगैरह फट गए थे। अच्छा। तो उसमें गाड़ी उलट गई थी। सही है। तो उसमें जो छत थी ना वो अंदर आ गई थी सारी, तो उस चीज को बचाने के लिए मैंने 4 पॉइंट रोल केज बनवाया हुआ। अच्छा अच्छा। क्योंकि रैली वाली गाड़ी में तो पूरा 6 पॉइंट होता है, 8 पॉइंट होता है ना। सही है। स्ट्रीट रूल्स की यार मतलब के। और ये यानी डेकोरेशन वाला है कि असल में इसकी स्ट्रेंथ है कि अगर ये स्ट्रेंथ था पूरा पूरा वो स्पेक के मुताबिक मैंने बनवा के लगाया इसको। अच्छा। ऑनलाइन निकाला गूगल से सारा कुछ, जैसा गोरे ने काम किया था सेम टू सेम मैंने डिजाइन उसको कॉपी करके इसके चेसिस में वेल्ड हुआ है वो। हां जी चेसिस में वेल्ड हुआ है। ठीक है। रिमूवेबल नहीं है। अच्छा अब इसकी जो आपने कन्वर्जन की और जरा भगाते भुगते भी है गाड़ी को। हाँ जी। तो जनरली अगर नॉर्मल चलाना तो क्या फ्यूल एवरेज देती है? फ्यूल एवरेज कम है क्या? कभी ध्यान नहीं दिया। नहीं फिर भी देना पड़ता है यार, आप स्टूडेंट आदमी लग रहे हैं मुझे तो। नहीं उसमें पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। फिर आप उम्र के चोर हैं। ये हो सकता है उम्र में देने का थोड़ा बचा लगता हूँ, जब मैं दाढ़ी मूंछ पे कटवा लूँ मेरे 15-16 साल का लगने लग जाता हूँ। सही सही। अब फ्यूल एवरेज का यही है कि जब भी कहीं जाना होता है, जब पेट्रोल सस्ता था तब 1000 का पेट्रोल डलवाता था, आना जाना होता था। अब 2000 का डलवाता हूं। कहां आना जाना होता है? लिबर्टी से मेन मार्केट तक आना जाना होता है, डिफेंस तक कितना हो जाता है? नहीं नहीं अमेरिका 1000 का डलवाता था ना उस जमाने में, मतलब जब 150 का था तब लिबेरिया तक आना जाना होता था आराम से, रिंग रोड से गए रिंग रोड से वापस, क्योंकि रिंग रोड पे आपको पता गाड़ियां अभी अच्छी भी है अभी। लेकिन आपकी डिस्कशन से लग रहा है कि आपको फ्यूल इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं? कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा फैमिली यूज के लिए दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है, ये प्रोजेक्ट गाड़ी है मेरी, तो घर वाले कहते हैं ये तुम लो जो मर्जी करो इसको। तो अगर इसको कंपैरिजन करें आज के जमाने की गाड़ी से जो तेज गाड़ियां का होती हैं, तो इसकी अगर हम टॉक की फिगर की बात करें, इसलिए आपको शौक है गाड़ी बनाने का, तो किस गाड़ी को मैच दे लेती होगी? मतलब स्टॉक हर गाड़ी से निकल जाती है, सिविक एक्स वगैरह। हां उसकी तो वीडियो भी बनाई हुई है मैंने। अच्छा अच्छा। तो क्या कहते हैं आरएस टर्बो, ब्रेक 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 ब्रेक, आरएस टर्बो जो नई वाली है उसके साथ भी भगा के देखो, उससे भी निकल गया था नाम से आ गया। नई वाली की पुरानी वाली? पुरानी आरएस टर्बो तो बहुत तेज है। हां मैं नई वाली की बात कर रहा हूं। अच्छा अच्छा। नई वाली के साथ भगा के देखने, लेकिन उसके लिए इसका थोड़ा उतना सामान उतारा हुआ है, एक इसका गियर एलईडी करवाने वाला और उसके जो इंजेक्टर वगैरह बड़े हैं वो सारा कुछ उतारा हुआ है, सेटिंग वेटिंग करवा के फिर इंशाल्लाह नई वाली के साथ वो पुरानी वाली के साथ भी भगाएंगे। अच्छा इसमें एसी है नहीं क्या? मेरी तरह के आदमी के एसी चलाते नहीं। एसी नीड गैस नीड कंप्रेसर नीड कंडेंसर उतारा हुआ सारा का सब उतारा हुआ सारा उतारा हुआ, क्योंकि इसका जो इंजन पे ना वो सारा टक किया हुआ है, सारी वायरिंग वगैरह छुपाई हुई है, जैसे आप देख सकते हैं। तभी ये बैटरी मेरे पांव में है। हां जी इसी जैसे आके पांव में, क्योंकि इंजन में सारा मैं समझा कि यूपीएस यूपीएस की लेदर रखी रख रही है। अच्छा ये आपने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है ताकि इंजन बेज में बड़ा क्लियर डेकोरेटेड लगे। हाँ वो आजकल आया था ना फैशन के बगैर वायरिंग वाला इंजन, वो है सेम वही साहब है यार। साड़ी गाड़ी से तो बाहर नहीं मुकदियाँ। अब यही है ना, टक वायरिंग आप सिर्फ तब करा सकते हैं जब आपकी वायरिंग सारी क्लियर हो, वरना टक वायरिंग अंदर आपको मसला था तो सारी वायरिंग आपको खोलनी पड़ जाती है। अच्छा जो टक वायरिंग है और ये गाड़ी के जो कॉइल ओवर वाला है, ये क्या वक्रे को सोएगा? ये मेरा ख्याल है मेरे जैसे बंदे मेरी उम्र बंदे को समझ नहीं आता। बंदे की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात होती है, आप ये देखते होंगे ना कि आपने रोज गाड़ी चलानी होगी या आपका जब दिल करता, मेरा ये होता हफ्ते में एक बार निकाल ले, या किसी ने बहुत ज्यादा बिजली करी गाड़ी बाहर निकाल ले, किसी ने 24 बनाए खड़ी की है, मैं सिर्फ तब गाड़ी बाहर निकालता हूँ। अच्छा और इसमें जो व्हील्स हैं वो कौन से डाले हुए हैं? इसको अभी T37 लगाए हुए हैं, इसके अलावा 2 सेट और भी पड़े मेरे पास, एक RB1 पड़े हुए हैं और XXR भी पड़े हुए हैं। अच्छा एक चीज मैं हमेशा पूछता हूँ जो लोग प्रोजेक्ट कार करते हैं, ऑल्दो मैं प्रोजेक्ट के बड़े सख्त खिलाफ होता हूँ, मैं कहता हूँ कंपनी करोड़ों डॉलर लगा के इन्वेस्टमेंट करती है, आप उसके क्लोजेस्ट टू ओरिजिनल स्पेक जाएं, लेकिन ठीक है अंडरस्टैंड हर किसी का पैशन है, ब्रेक्स को मॉडिफाई किया नहीं? इसकी बड़ी ब्रेक्स आती हैं। अच्छा हैबर के मुकाबले में इसकी जो GTI की ब्रेक्स होती है वो बड़ी होती हैं। ठीक है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है गाड़ी रोक लेती हैं, क्योंकि इसका जो ये वरना यहाँ पे लोग करते ही हैं कि गाड़ी को एडवांस कर लेते हैं ब्रेक ही नहीं करते। नहीं 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 वो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन बड़ी ब्रेक्स आती हैं।
अच्छा अच्छा, एक मैं आजकल देख रहा पहले दिनों यूट्यूब के ऊपर ही कि लोग सिविक को हैचबैक कन्वर्ट कर रहे थे। हाँ ये होती है, तो ये भी होती है। ये जहाँ से मैंने गाड़ी तैयार करवाई ना खान क्रियो, ये मशहूर है पूरे पाकिस्तान में हैचबैक कन्वर्ट करने के अंदर। अगर आज मैं चाहूँ कि मैं चार दरवाजों वाली खैबर लूँ तो ऐसी बन जाएगी? नहीं खैबर नहीं बनेगी, जो होंडा के मॉडल है इजी हैच होगी, ईएफ हैच। ये क्यों नहीं बनेगी? अब यही है कि अगर आप ये बनवाने जाते हैं आपको गाड़ी बहुत महंगी पड़ जाएगी। महंगी का मतलब नहीं, बन जाएगी। बन जाएगी फिर ढूंढने से तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैंने क्योंकि खैबर ली भी आज से 3-4 साल पहले की ली भी है, 87 मॉडल है, खैबर भी नहीं है, स्विफ्ट है जापानी। तो मैं सोच रहा था कि उस पर कोई प्रोजेक्ट किया जाए। वैसे एक ये है कि इस तरह की जो पुरानी गाड़ियां है ना, मतलब के जीटीआई नहीं है, इसके अंदर जो 1000cc मॉडल आया था इसके अंदर काफी सारे आए थे, इसमें शेवरलेट स्प्रिंट आया था वो 1000cc टर्बो होता था, ठीक है। उसके अलावा कल्टस फोर्जा भी कहते थे इसको, सही है, फोर्जा के अलावा स्विफ्ट भी कहते थे इसको, तो वो वाली जो है वो 1000cc में आती थी और वो काफी सारी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, पाक बीस पे भी लगी हुई है, 3-4 लगे हुए हैं उसके। अगर आप वो परचेज कर लें आपको सस्ता मिल जाएगा, मतलब 2.50 से लेकर 3 तक आपको गाड़ी मिल जाएगी। वो आपने कन्वर्जन पे इतना पैसा जाया करना, वही आप डायरेक्ट उसके ऊपर पैसा लगा लें, ठीक है, आपको अफोर्डेबल बन जाएगा। दूसरा इसका मैंने जो पिछले दिनों आपको बताया 2 साल पहले गाड़ी ली थी, मैं उसका सामान सर्च कर रहा था, सामान तो बड़ा इजीली अवेलेबल है, हेडलाइट्स तो कॉमन ही है ना इसकी। हाँ जी, अब इसके अंदर भी ये ट्विस्ट था थोड़ा सा कि जो जीटीआई वाला सामान है जैसे डैशबोर्ड हो गया, मीटर हो गया और अगला बम्पर हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं वो बहुत रेयर हैं, वो बहुत महंगी है। और इसमें और खैबर में फर्क है, माउंट्स का फर्क है, दरवाजों का फर्क है। आप ये देख लें कि इसके ना दरवाजे का हैंडल टूट गया था, वो ताकि तो सादी खैबर का नहीं लगा था। फिर क्या किया? फिर वही है पुरानी वाली बॉडी इसकी लगाई, ऊपर प्लास्टिक वाली खैबर की लगा दी। अच्छा, ढलवा गया फिर। सही सही, बैक ये डिग्गी वाले शॉक्स है, ये भी लंबे होते हैं खैबर के, उनको भी कटवा के फिर उसके ऊपर चूड़ी बनवा के सारा कुछ करना पड़ा था। और बाकी लाइटें और खैबर की चीज सेम है? वो सेम है, सामने ग्रिल लाइटें ये वो मिल जाती है, ग्रिल चेंज है लेकिन ग्रिल मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है उसका। लेकिन ये है ना सुजुकी की गाड़ी है, आपको पता सुजुकी का सामान फिर सस्ता होता है। सही सही सही, 2200 की अगली दो लाइटें आ गई, 200 की पिछली दो आ गई, जब दिल करे ब्रांड न्यू कर लो, यही है। हां मतलब लाइट साफ कराता से महंगी पड़ जाती है। यही है, आप मतलब के फर्स्ट करें, अगर आप खैबर तैयार करना चाहते हैं ना, आपकी तकरीबन लाख में पूरी गाड़ी नहीं आ जाएगी, बोनट फेंडर सारा कुछ नया आ जाएगा। अच्छा, हमने वही से याद बात शुरू हुई कि आपने ली थी 3.5 की ली थी? हाँ जी, 3.5 की। तो ऊपर कितना पैसा लगाया आपने? ये अभी तकरीबन मुझे गाड़ी पड़ती है 11 से 12 के बीच में। क्या कर दिया है? वही है ना, मैंने अपने शौक पे पैसा लगाया, जैसे मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने सबसे महंगी चीज क्या थी? इंजन नहीं, रिम, 3 रिम टायर के सेट पड़े मेरे पास। अच्छा, मतलब के 3 रिम टायर के सेट है, उनके ऊपर 4-4 टायर साहब लगाए, तो 14 टायर पड़े आजकल के टायर के लिहाज से, तो वही बन जाएंगे 7-8 लाख। नहीं, वो तकरीबन मेरे कहीं 2.50 से 3 के बीच में पड़ती है वो। ठीक है ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, इंजन दोबारा रखवाता, इंजन में फिर पंगे पुंगे करवाए सारे, इसको तेज करने के लिए होंडा का इंटेक मैनिफोल्ड लगाया इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर पिस्टन D15 क्या जो होंडा का होता है, सही है, उसके साथ फिर कहते हैं होंडा की इंजेक्टर लगी, होंडा की प्योर लगी, होंडा की स्पार्क लगी। आपने जो होंडा और सुजुकी की शादी की है वो यार इतनी ज्यादा, तो उसमें आखिर रिजल्ट क्या निकलता है? वो आपने सुना होगा बड़ी मशहूर कहा, मैं तो होंडा ही लैसा, मैं होंडा ने लिया, मैं उसको सामान लगा लिया। नहीं क्योंकि मैं तो देखता हूँ कि अगर एक गाड़ी का सामान भी पूरा नहीं, अब इसमें है सुजुकी इंजन सुजुकी का है, इंटेक होंडा का है। हाँ जी, और काफी सामान आपने होंडा का लगाया है, तो जब खराब होता है तो होंडा के पास जाते हैं, सुजुकी वहाँ किधर जाते हैं? तो हम सीधा लाला जी के पास जाते हैं, लाला जी को सब पता है, लाला जी सारा कुछ कर देते हैं, लाला जी सारा कुछ कर देते हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि जी आपको 10 से 11 लाख रुपए कॉस्ट कर गया, अगर चले टायरों के सेट निकाल दें तो फिर भी मैं एक एवरेज यंगस्टर के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कन्वर्जन प्रोजेक्ट करना चाहता है, अगर मतलब कि इस तरह की शक्ल सूरत निकालते उसको तकरीबन गाड़ी 8 तक पड़ेगी ही पड़ेगी, और उसके बाद भी कोई फ्यूल इकोनॉमी नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है ना, मैंने जिस तरह इसका इंजन बिल्ड किया है। अगर आप स्टॉक जी 16 चलाते हैं वो तो आपको 16-17 एवरेज देगा। ये मैंने स्टॉक अगर बेलिनो का इंजन लगाया फिर तो बड़ी अच्छी एवरेज देगा, वो तो 16-17 आपको देगा एसी के साथ। अच्छा, एसी के साथ आपको 16-17 देगा। फिर किया जा सकता है, आप तो डराने वाली बात करते बगैर एसी के। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं, वैसे स्ट्रोक के लिहाज से देखा जाए तो बलिनो का इंजन बहुत अच्छा, लोग कहते हैं कॉइलों का मसला आता रहता है, ये होता रहता है। मैं इसके अंदर कॉइल वो कॉइल आफ्टर मार्केट लगवाई है 2500 की थी इस तरह करके, सही है, अभी तक लगी हुई है तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, अल्लाह का शुक्र अभी तक कोई मसला नहीं आया। और इसका जो ऑयल मेंटेनेंस है वो कितने अर से बात कराते हैं? वही है, मैं तकरीबन 2500 के बाद इसको चेंज करवा लेता हूँ। अच्छा, और क्या कॉस्ट करती है वो? मेरा तकरीबन कोई 3 से 4 हजार लग जाता है, किसका डलवाता हूँ इसके अंदर मैं 20-50। ठीक है, वो आ गया। और एयरबैग तो तब थे ही नहीं, थे ही नहीं। अच्छा। ये थी ना, ये रैली के लिए गाड़ी बनाई थी। ठीक है, तो उसके अंदर इसलिए फिर ये कहते हैं ये G13 है ना, ये सुजुकी का बड़ा मशहूर इंजन है ट्यूनर के लिहाज से। सही है,
काफी सारे लोग इसको कहते हैं बूस्ट भी करते हैं। उसके अलावा ये जो स्टॉक ब्लॉक होता है ना G13B का, जी जी, ये वाला नहीं G13B वाला, वो नाइट्रस भी हैंडल कर सकता है 50 वाट तक, ठीक है। वो था भी हाई रेविंग इंजन, वो स्टॉक ही 8500 तक रैप कर सकता था अगर आप उसका इश्यू थोड़ा अनलॉक करवा लें। अच्छा, ये आपने डेंजरस किस्म के स्विच लगाए हुए हैं किसी चीज के? ये जहाज वाले स्विच, मैंने असल में मैं हूँ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। अच्छा, तो उस हिसाब से जहाजों में ऐसे स्विच होते हैं, तो लिहाज से उसी का शौक थोड़ा बहुत यहाँ भी आ गया। अब मैं खुद तो जहाज बांध नहीं सकता था, मैंने वो देखा, वो इंडियन मूवी में नहीं होता कि जहाज है सामने लैंड नहीं करना था, वही तो नहीं, वही वाला हिसाब किताब है। अच्छा, नहीं तो आप ऐसे जो है कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे मैं वाटन एयरपोर्ट जाता हूँ। वहाँ पे जहाजों को तेज करते हैं? हाँ, मैं मतलब के एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ ना, वहाँ पे जो 2 सीटर जहाज हो गए उनकी मेंटेनेंस वगैरह पे काम वगैरह करता हूँ। अच्छा, फिर तो आप खुद भी इंजीनियर आदमी है। हाँ जी, तो जहाज का इंजन इसमें कब डाल रहे हैं? इसका फ्रेम इतना मजबूत नहीं है कि जहाज का इंजन आ जाए। अच्छा, कोई मजबूत गाड़ी लेगा तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अभी जो डाला है वो भी उसके लिए जहाज वाला ही है। यही है। सही सही सही। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो कि आप इस गाड़ी में मिस करते हो? इंसान गाड़ी लेता ना, इंसान कहता है यार ये चीज होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई ये नहीं। वो मतलब के अपा जी ने शुरू से यही सिखाया मुझे कि जो चीज आपके पास है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करें। नहीं, कनात अच्छी आदत है, मेरे अंदर भी है, सब में होनी चाहिए कनात। नहीं, मशीन पूछ रहा हूँ कि इस मशीन में जैसा मैं, अगर मेरे पास होना तो मैं कहूँगा यार आज के फिल जमाना है एयर बैग या ABS ब्रेक, ऐसी कोई चीज फ्री होती है। अल्लाह का शुक्र है कोई चीज आते कैसे, सबसे खुश है, सबसे खुश है। और इसके अंदर कोई मजीद प्रोजेक्ट में चेंज करने का प्लान है कि बस एक चीज बना के सुकून है? उसी तरह ही है ना, जैसे जैसे वो ही कहते हैं इस तरह मशहूर कहावत कि कोई प्रोजेक्ट गार्ड कभी कंप्लीट नहीं होती। हमें तो अगला क्या आपके लिस्ट में क्या चीज है? अब वही है, जो चीज अच्छी लगेगी ले लेंगे, जिस तरह रिम है कोई चीज और। अच्छा, रिमो पे बड़ा जोर है यार, रिमो पे जोर है क्योंकि गाड़ी के मेन लुक बाहर से ये चीज निकाल दिया है, रिम टायर लगाए गाड़ी लोग स्टॉक गाड़ी भी हो तो उसकी लुक निकल आएगी, ठीक है, इसलिए रिम पे ज्यादा फोकस होता है मेरा। सही है। और ये जब लोग करते हैं तो ऑब्वियसली फिर जब आपके कॉइल ओवर है तो आपको लो प्रोफाइल टायर चाहिए होगा। हाँ जी। तो खड्डों में से कैसे गुजारते हैं? और ये लाहौर के स्पीड ब्रेकर में क्या करते हैं? पूरा पूरा स्लो मोशन जाता हूं। अच्छा, एक्स्ट्रा स्लो मो हो जाते हैं? एक्स्ट्रा स्लो मो, गाड़ी बिल्कुल रोकती नहीं, फिर बाबे पीछे वाले गालियां दे जो मर्जी करे, मैंने देना, मैं अपनी गाड़ी देखनी है, सुकून से निकालनी है, क्योंकि बंदे ने अपना देखना है कि अपनी चीज ठीक होनी चाहिए, बाकी लोगों को तो हर चीज की जल्दी होती है। नहीं, मैंने क्योंकि फील किया मेरी Z3 बहुत नीचे है, जब मैं किसी ब्रेकर से निकाल रहा था तो पीछे वाले मजबूर करते हैं, वो इतना मजबूर करते हैं कि फिर कहीं ना कहीं बेचारी नीचे लगी जाती है। नहीं, वो आपने पक्का हो जाना, उन्होंने आपको नुकसान थोड़ी करना है आगे, मसला तो ये है। क्या करें, मुसलसल हो जाए। कोई आने बस बैठ जाना, आने करें सुनाई नहीं दे रहा कुछ, आने बस अपनी चीज पे ध्यान देना है। सही। तो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। एक डिफरेंट किस्म का रिव्यू था, वेरी अनयूजुअल कार, हर आपको आने जैसे कहते हैं ना, एक नॉर्मल गाड़ी नहीं है, एक प्रोजेक्ट कार है, तो इसलिए इसकी फ्यूल एवरेज और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर रेलिवेंट नहीं है। जिस तरह उन्होंने माज ने बताया कि वो उनको फ्यूल की प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेंटेनेंस से भी नहीं पड़ता, सिर्फ उन्हीं चीज़ विच मैटर्स इज़ कि उनकी गाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। और जो भी बंदा कार एंथुजियास्ट होता है, जिसको प्रोजेक्ट कार्स का शौक होता है, मेरा ख्याल उनमें ये तमाम चीज़ों में सब में कॉमन होगी। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिर्द-ओ-नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।